फेवरेट यूट्यूबर, तो मैं उसे कहना पसंद ही नहीं करती क्योंकि इस तरह का मेरा कोई भाई मुकाबले का एक मायार होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छा तो जनाब, जैसे कि आजकल के यूट्यूब वाले एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, एक फाइट हम भी आपके लिए लेके हैं, जैसे कि डकी पा की फाइट विद साइलेंट गर्ल के साथ। उस पर आज मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा, कहीं ना जाइएगा, यहीं पे बैठेगा और इनकी वीडियो भी देखेगा, बहुत एंटरटेनमेंट वाली है। अपने कमेंट्स और अपने अपनी राय भी देनी है कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी वीडियो ऑफ डकी भाई। ओके, गौर से देखनी है और फिर उस पर अपने कमेंट्स भी अपने देने। क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज मैं दोबारा उन बगैरनों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्हें आईडी कार्ड दिखाए बगैर घर में घुसने की इजाजत नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो स्टार है। दुनिया में शेरों की कमी हुई है, समंदरों में मछली की कमी हुई है, लेकिन टिकटॉक पे बगैरतियों की कमी नहीं हुई। तो जिन लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी साइलेंट गर्ल के ऊपर, तो मैडम आई हैं जी रिस्पांस वीडियो के साथ रोस्ट करने सीधा, तो चेक मार लेते हैं एक बार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं मैं हूं आप लोगों की अपनी साइलेंट गर्ल। आई थिंक आपने टॉक पे तो अक्सर ही देखा होगा मुझे, अब तो मेरा मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है। वीडियो में बाद में आऊंगा, जरा इसके लाइक्स डिसलाइक रेशियो चेक करो। आवाम इतना मूली पे नमक और हत्ती नहीं मारती जितना इसकी वीडियो पे डिसलाइक मार रखे है। जैसे मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर हूँ, ऐसे ये आपकी अपनी साइलेंट गर्ल है। बाकी पहले अपने घर वालों से तो पूछ लो कि तुम्हें अपना मानते भी है कि नहीं। इसके घर वालों से जब पूछा जाए कि ये आपकी बेटी है कि नहीं, तो वो मुंह से बोलने की बजाय हाथ से लानत का इशारा कर देते हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है, तो ऐसे कह रही है जैसे बगैरतियां टिकटॉक पे नहीं नादरा के ऑफिस पे लगाती हो। आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर डोंकी गदा, समझ तो आप लोगों को लग ही गई होगी क्योंकि भाई तो मैं उसे कहना पसंद ही नहीं करती क्योंकि इस तरह का मेरा कोई भाई होता ना तो मैं तो लाख की भेजती उस पे। मेरी भी कोई ऐसी बहन होती मैं भी उसको चॉकलेट का बहाना लगाकर मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देता। दूसरी बात ये है कि जैसे वो लड़कियों की वीडियोस पकड़ के रोस्टिंग करता है, तो ये तो टैलेंट नहीं है मेरे ख्याल में। मुकाबला किया जाता है अपने जैसे से, ठीक है। ऐसी लड़कियां होती है जो लूडो स्टार में 500 कॉइंस जीतकर अपने आप को स्पोर्ट्स वुमेन कहती हैं। इनके ख्याल से इस चीज पे इन्हें स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट का अवार्ड देना चाहिए। कोई इसको समझाए कि यहाँ पे मुकाबला नहीं चल रहा, जिसके घर वाले उसकी वीडियो ओपन किए बगैर डिसलाइक कर दें उससे कौन मुकाबला करेगा। और टैलेंट की बात देखो, कर कौन रहे? एक शेर बोल के एंड में सेम डायलॉग चिपकाकर दो उंगलियां दिखाकर स्लोमो कर देना, इसे टैलेंट कहते हैं। टट्टी करने में 2 से 3 मिनट लगने हैं, लेकिन टिकटॉक पे 15 सेकंड में कैसे हगना है, इसे टैलेंट कहते हैं। प्राइवेट में तो हर कोई बगैरतियां मारते हैं, लेकिन पब्लिकली आके बगैरतियां मारना और उसके बाद लाइक मांगना और अपने आप को स्टार भी कह देना, ये असली टैलेंट है भाई। मुकाबले का एक मायार होता है, मायार से मुराद के मुकाबला। हम अगर मैं मुकाबला करने पे उतरती हूँ ना, तो मेरे सामने भी कोई लड़की हो और मेरे जैसी ही हो, मुझे उसका मुकाबला करने में मजा आएगा। अबे तुम्हारी जैसी कोई लौंडिया बरी नहीं है तो मुकाबला किससे करें? पूरी दुनिया छान मार ली लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा, यू आर द वन एंड ओनली। चलो मुकाबले का मैयार जितना मर्जी हो, लेकिन अब मैं टिकटॉक पे आकर मुजरा तो नहीं कर सकता ना, या ऐसी पार्टियां किया तो नहीं लगा सकता ना। तो क्या लगता है मैं सुलकरनान से प्यार नहीं करती? ये देखो उसके प्यार की निशानी है, मार्कस ने मुझे गिफ्ट किया था। अब जो लोग फेक समझ रहे हैं समझे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ला देना यार अपनी ऐसी, करवा लेते हैं उसका मुकाबला तुम्हारे साथ, बॉक्सिंग मैच रखवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। टिकटॉक पे तो ये नाम बना नहीं सका बेचारा यूट्यूबर, पर भीख मांग मांग के सब्सक्राइब कर दो, भीख मांगता फिरता है सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो। टिकटॉक पे नाम बनाने से बेहतर है बंदा हीरा मंडी में मरवा मरवा के टॉप क्लास पेड मॉडल बन जाए। और क्या कह रही है ये कि मैं यूट्यूब पे इसलिए आया हूँ क्योंकि टिकटॉक पे नाम नहीं बना सका, तो एक बारी को ये बात मान लेते हैं। तो मेरा पुत्र इतनी बेइज्जती अगर किसी लड़की की हो ना, तो वो तो डूब के मर जाए। तो पता नहीं ये अभी तक शायद पता नहीं जिंदा है कि क्या कर रही है। तो या तो इसे डकी पे से माफी मांग लेनी चाहिए, या तो इसे कान पकड़ के टिकटॉक पे छोड़ देना चाहिए, दोबारा यूट्यूब पे भी नहीं आना चाहिए। सो अगेन वॉच। बात की बड़ी खुशी है कि टिकटॉक पे नाम नहीं बना सका, वरना सारी उम्र लानते ही मिलती। और यूट्यूब पे हम तब से हैं जब टिकटॉक हुआ भी नहीं करती थी। तो काकी पढ़ लिख के वीडियो बनाया करो, सियालकोट से बाहर भी दुनिया। डंकी गधे, अब मैं मुकाबले पे उतर आई हूं। अब तू जितनी बनाएगा ना उसे डबल मैं बनाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मैं चुप थी इसलिए मैंने कहा चल ठीक है, एक उसने कर ली है वीडियो, कोई बात नहीं है। अब दोबारा तुमने फिर मुझ पे वीडियो बनाई है, अब जितनी वीडियो तू बनाएगा ना उतनी वीडियो मैं भी बनाऊंगी, और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बात कहूंगी ना कि तू खुद छोड़ेगा मुझ पे वीडियो बना। शुक्र करो टिकटॉक ने डिसलाइक का ऑप्शन नहीं रखा हुआ, वरना 1 मिलियन लाइक्स होते और 400 मिलियन डिसलाइक पड़े होते। तेरी माँ तो शर्मिंदा होती होगी किस नमूने को मैंने पैदा कर। ओह माय गॉड, तेरी माँ तो काम का ना काज का बस यूट्यूब पे आके भौंकता ही रहता है सब्सक्राइब कर दो।
सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर आगे भी कोई बात चलानी है या नहीं, उधर ही अटके रहना है। वीडियो के 2 मिनट पूरे हो गए, मैडम ने एक ही रट लगाई है, सब्सक्राइब कर दो। और ये माँ शर्मिंदा और पैदा पूदा करने वाली बात अगर इसने कर ही दी है तो यार काकी जरा अपने वालों से भी जाके पूछ ले कैसा फील करते हैं, कोई मुंह वगैरह भी लगाते हैं तुम्हें कि नहीं। हाँ तो होती है, वैसे सब्सक्राइब वैसे भी ले सकता है, तू वैसे भीख मांगने से क्या होगा है। तो काकी टिकटॉक पे फॉलोवर्स, जुल्करनैन तुम कैसे वो कर सकते हो, ये बात तुमने मुझे लेके दी थी वाली यकीन लगाए बगैर भी मिल सकते हैं, ऐसे पानी के लगाने से क्या होगा। सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर डंकी गदा। ओ नो, डड्डू के मुंह वाला डंकी भाई के बारे में ऐसी बात। 21 साल का होके भी डड्डू के मुंह वाले डड्डू के मुंह वाले। और दूसरी बात कि तुमने मुझे ना बहुत होले समझा हुआ था। होला तो तुम कहीं से लगती भी नहीं हो, उधर टिकटॉक पे पूरा सियालकोट हिलाकर रख दिया, होला तो तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं जब मुकाबले पे उतर आती हूँ ना, पहली बात कि मैं किसी का मुकाबला करना पसंद ही नहीं करती। फिर वही बात करूंगा काकी, इस दुनिया में आपके जैसा कोई ना आया है, ना है, ना आएगा, आपका कोई लेवल ही नहीं। और अगर तुम लोगों में से कोई इसके लेवल का है तो वो जाके अस्पताल कोई पुर्जे हिले तुम्हारे और कुछ। ठीक है, तुमने मुझे यूट्यूब पर मेरी रोस्टिंग की है ना, अब तू नेक्स्ट वीडियो डाल मुझ पे, मैं तेरी ऐसी रोस्टिंग करूंगी ना, मैं एक लड़की हो गई ऐसी रोस्टिंग करूंगी ना, पूरा पाकिस्तान तेरी शक्ल देखेगा, फिर तालियां भी बजाएगा किसी लड़की ने डंकी गदे की रोस्टिंग की है। ठीक है, मेरे ख्याल में तू मतलब इतनी फीलिंग्स तो आ रही होंगी तुझे ना ये मेरी वीडियो देख के, थोड़ी बिस्ती वाली कांड फट गई है यार तुम्हारी वीडियो देख के, बहुत बिस्ती हो रही है यार। 1 अरब की चॉकलेट तो खा ले, लेकिन अकल दिमाग घुटनों से ऊपर नहीं आया। रोस्टिंग सिर्फ तू नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। तेरी शक्ल तो ऐसी है जैसे मतलब कि तेरी वीडियो में ऐसी शक्ल आती है जैसे कुट्टी कर रहा हो, आंख की लानत है तुम पे है डड्डू के मुंह वाले। मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हारे मुंह पे छोड़ के ना तो ऊपर ना कीड़े मकोड़े फेंक दूं, फिर तुझे पता चले रोस्टिंग कैसे होती है। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है रही तुम्हें, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जस्ट मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये वीडियो। अबे यार मुझे यहाँ बतख से डड्डू बना डाला है और फिर कह रही है कि अभी तो मैंने तुम्हें समझाया है, असली रोस्टिंग मैडम ने अभी करनी है। तो काकी पहले ऐड डिसाइड कर ले कि तू मेनू डड्डू बनाया या गधा बनाया है। मेरे तो ख्याल से जिस रोस्टिंग की ये बात करी है, जो ये करने वाली है, उधर तुम लोगों को जानवरों की अलग अलग किस्में सिखाई जाएंगी। तो काकी मैं खुद ही बोल देता हूँ ना, काम आसान हो जाएगा तुम्हारा, हाथी भी ऐसी है गए, बांदर भी ऐसी है गए, ते कुत्ते भी ऐसी है गए। तू कल्ली स्टार बंदर तुसी ना बनो यार, तुसी डकी पे ग्रेट हो। अरे तेरा लेवल है क्या, किसी को मुकाबला करना ही नहीं है तुम्हारे साथ। ऐसे लोग होते हैं जिनके घर वाले उन्हें अपनी जिंदगी मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी उनका कहना होता है कि ऐसी जिंदगी पे लानत। बड़े डोंकी गधा, तो मैं फिर तुम्हें गधे से उल्लू का पट्ठा और पट्ठे से मैं तुम्हें स्टार्ट हुई यार यहां पे, तो याद रखना मेरी बात, समझ आई है ना। मैं चुप थी, एक सेकंड, क्या मैं चुप थी? चुप तो आप कभी हुई नहीं है जी। तू बहुत बड़ा खुद को समझता ना, बहुत बड़ा रोस्टर के तू आपके मुकाबले में आ रही है। तो अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि रोस्टिंग क्या होती है, ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और मेरा अब तुमने मुकाबला करना है डंकी गधे, गधे गधा है तू, गधा टट्टी जैसी शक्ल है तेरी, ठीक है, बंदरों जैसी बोली है तेरी है, और खुद को समझता है तू बहुत बड़ा टोस्टर है। रोस्टिंग करनी है ना तो अपने पाकिस्तानियों की नहीं, किसी और की कर, पता चले कि तू वाकई पाकिस्तानी है, तुम पाकिस्तानी नहीं हो। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि टिकटॉकरों के लॉजिक के हिसाब से अगर बंदा रोस्टिंग करता है तो वो पाकिस्तान से बाहर कैसे हो जाता है, वो यही में यही कहने लगा हुआ था। ये इंडिया नहीं, ये पाकिस्तान है, यही। अगर रोस्टिंग करने से बंदा पाकिस्तान से बाहर हो जाता है तो बताओ यार, छोड़ देता हूँ रोस्टिंग, मेरा घर है यार इधर। अब तू रोस्टिंग अगर मेरी करेगा ना तो काका अब मुकाबला डगी भाई, आपके टक्कर की आ गई है। अब तो याद है रेडी टू फाइट सब पाला पड़ा था मेरा, और वो भी बाबा जी सियालकोट सारी तो। बाकी गाइस अगर तो आप मेरी बातों से एग्री करते हैं नहीं तो इधर एंड हो जाती है साइलेंट गर्ल की बट फार रोस्टिंग तालियां, ख्याल करो हो जाए। तो अभी टिकटॉकर्स पे रिस्पांस वीडियो बन ही रही है, तो ऐसे एक दो और हैं जिनसे पंगा शंगा हुआ था, जिनको कभी जवाब नहीं दिया, तो पेल देते हैं उनको भी इसी वीडियो में। एलेक्स मुझे एक बात बताएं कि ये डकी मतलब बार बार टारगेट करता है, मतलब कभी आपको कभी किसी को, मतलब क्या मतलब उसकी शख्सियत है, क्या शख्सियत ही तो उसकी है ना, यकी लगाता है ना वो। उत्तर
बंदे की शख्सियत यक हो या डिसेंड, एटलीस्ट शख्सियत होनी चाहिए। अब तुम जैसे सुर्खी पाउडर लगाने वालों को ये नहीं पता कि मुझे टिकटॉक पे बैठ के लड़कों वाली हरकतें करनी है या लड़कियों वाली, तो शख्सियत घंटा होनी है। ऐसे लोगों को किसी फॉर्म में सेक्स का सवाल आ रहे तो लिखते हैं बड़े बड़े लिए हैं, लेकिन आज तक मजा नहीं आया। कोई इनसे टैलेंट के बारे में पूछ ले तो कहते हैं 3-4 एक साथ ले लेता हूँ। कोई इनके मारते वक्त पूछ ले कि कितना कमा लेते हो तो इनका जवाब होता है रिस्क पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। दिन का 1000 रुपए कमा लेता हूँ जिसमें से 500 मेरा, 500 धक्के का। एलेक्स मुझे एक बात बताएं, जो डकी ने आपको रोस्ट किया दोबारा से, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? यार उसके बारे में तो बंदा कुछ ना ही कहे, क्योंकि वो बंदा है वैसे इतना जाहिल है, और मुझे तो उस अवाम पे जाहिलियत जो है, उस अवाम पे मुझे होता है कि आप जो है वो एक बंदा जो है वो लोगों को गालियां दे रहा है। लाइक हम लोग अगर वीडियोस बना रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे ना। लड़कियों वाले कपड़े ये पहनते हैं और जाहिल हैं हम, फेस पाउडर लिपस्टिक ये लगाते हैं और जाहिल हैं हम, ब्रेजर्स पैंटीज पहनने का इन्हें शौक है और जाहिल हैं हम, मुजरे ये करते हैं और जाहिल हैं हम। तुमको बारिश पसंद है, मुझे बारिश में तुम। यार हर चीज में बंदे नहीं मरवाते, एक बात और ही है ना, ये बारिश हर बच्चे की बचपन में ख्वाहिश होती है कि उन्हें फौज या पुलिस में भर्ती होने, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मुजरों की फौज में भर्ती होने का शौक होता है। कभी इनकी इंटरनेट की हिस्ट्री चेक कर लो तो हीरामंडी में मॉडलिंग के एप्लीकेशन फॉर्म सर्च मारे होते हैं। जहाँ शादी ब्याह में लोग अपनी गपशप में लगे रहते हैं, ऐसे लोग नाचने वालों के साथ बैठकर अपना नंबर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, चस्का भी हम लोगों से लेते हैं और बातें भी हम लोगों पे करते हैं। इन्हें भी अच्छी तरह पता है कि ये लोग अवाम को लेसन नहीं चस्का देते हैं। अब जहाँ चस्के की बात चल ही रही है तो ये लोग और क्या चाहते हैं कि हम इनकी वीडियो देखकर शलवारों में हाथ डाल लें। बच्चे बच्चे के फोन पे तो VPN पर होता है, अब इनकी वीडियो देखकर हम अपना पानी जाया करना शुरू कर दें तो ये जॉनी मियाँ इनके बिजनेस तो ठप हो जाएंगे भाई। मुझे एक बात बताएं, मतलब जो डकी है वो आप मतलब सब टिकटॉकर्स के बारे में मतलब एक ही बात करता है कि आपकी वीडियोस का कोई कांटेक्ट नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, मतलब चले ठीक है। मतलब कोई आप मुझे बता दें जो वो कॉन्सेप्ट बना रहा है वो क्या बना रहा है, एक टांग 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 उठा लेगा और बस गाली गलोच ये जो इसमें लाइक इस तरह, तो ये भी मैं भी करूँ, मैं भी कहाँ से कहाँ चला जाऊँ। 2 मिनट के लिए इसे साइड पे करो, इस लड़की की बात करते हैं। इसे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि चस्का सिर्फ हम ही नहीं लेते बल्कि ये भी चस्के ले रही है। बंदा एक सवाल करता है, 2 सवाल करता है, 5 मिनट के इंटरव्यू में 4.5 मिनट तो डकी डकी डकी, तो मेरे से ही आके पूछ लो। एक तो इंटरव्यू इतना थर्ड क्लास, वो तो मुझे तभी पता लग गया था जब तुम्हारा गेस्ट एलेक्स भट्टी आ रहा था, और ये जो इसने बात की है ना कि टांग उठाकर बोलता रहता है, तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पुत्र एक टांग उठाने में और 2 टांगे उठाने में फर्क होता है। चटे होके तेल लाके, वैसलीन की क्रीम लाके, निविया क्रीम लाके, अब तेरी मैं टुई दे विच शैंपू पा के, उस तो पखे पा के, सारे जो फ्रीजी दा बैग में तेरी टुई दे विच पावा। अगला ले आओ भाई। ओ यार ये कौन आ गया? अलैकुम अस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं अली हैदराबादी, तो आज मैं आ गया हूँ YouTube पर। ये कुछ देर पहले टिकटॉक क्वीन एलेक्स भट्टी भाई साहब कह रहे थे कि इन्हें तमीज नहीं है, ये तमीज है, ऐसे बैठा जाता है सोफे पे। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं। अच्छा तो आपने ही बोलना है। क्या इतना बुरा हूँ मैं मां? हम गाली भी नहीं देते हैं। हाँ, क्योंकि हम उन लोगों की तरह नहीं है जो गाली बोल रहे ना। किसी की क्या नाम है उसका? इसके नीचे एक कुत्ता है जिसका नाम डकी है। अब फिलहाल तो मुझे इसके नीचे सोफा ही नजर आ रहा है, पता नहीं किस कुत्ते की बात कर रहा है जो इसके नीचे आके बैठ गया। इसके घर में पड़े सब कुत्ते शुत्ते सारे मिलके टिकटॉक बनाते हैं। ये जरूर यह मेरी बात सुनो डकी, पता क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है डकी? ये चाह रहा है कि मैं लोगों को बताऊं कि अली हैदराबादी उनका जीजा है। यार पहले सारे 1 मिनट बैठ के हंस लो, ठीक है भाई साहब, जरूरत मारिए, पहले हंस लो फिर वीडियो पे वापस आते हैं। अली हैदराबादी उनका जीजा है। मेरा छोड़िए, किसी का भी जीजा नहीं मान सकता। और इस बंदे का मुंह देखो जरा, दुनिया का वाहिद ऐसा बंदा जो बदमाशों वाली मुझे रखे जॉब ऐसी करे जहाँ उसको टिकटॉकर के टट्टे उठा के मुंह में डालने पड़ रहे हो। तुझसे पहले तेरी बदमाशी पे लानत। मोहब्बत वाला लड़का हूँ। हाँ ना भाई साहब, बहुत प्यार मोहब्बत वाले लड़के है। उसी प्यार मोहब्बत का फायदा उठा के iPhone 11 के नाम पे दुबई में क्या क्या। ओए नहीं, वो वाली वीडियो मोहब्बत है, ओए नहीं, सबको पता है। ओए सर अटेंड रात के अटेंड रात पे यार छाते ले यार भाई इतना डाला है। अच्छा मैं वादा करता हूं कि अगले पूरा डालूंगा एपिसोड में, पूरा डालूंगा और गाने में पूरा डालूंगा कि आपसे क्या नहीं क्या बोला तूने, एक एपिसोड में पूरा डालूंगा और गाने में पूरा डालूंगा कि आपसे वादा करता हूं कि एक दफा तुम बोले मुझसे लाफिंग मत करो। यही यही एक बात बताएं, अगर आप इस तरह के काम करें, अगर मतलब हम रिश्ते से ना कर दें तो लोग हमारे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। फिर से तालियां बजाओ यार।
भाई साहब की टुई में चिमोरों ने फिर से काटा है। ऑस्कर विनिंग जोगत मारिया भाई साहब ने तो हंस लो सारे मिलके बैठ के कह के लगा लो। हैदराबादी ने आईफोन के लिए तो ऑन स्क्रीन ये काम कर लिया, लेकिन जो उसका चार्जर है अगर वो चाहिए तो ऑफ स्क्रीन कुछ करना पड़ेगा भाई। रिश्ता रिश्ता तो ऐसे करा है जैसे इसकी मशूक को मैं भगा के ले गया हूँ। एक मैंने फेम लिया है अपनी मेहनत करके। सबको पता है फेम कहाँ से आया है। पहले नानी वाले से मरवा मरवा के आईफोन ले लिया, डाल डाल के हालत खराब कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अगला रो रहा है क्योंकि थोड़ा सा डाला गया है। यार भाई इतना सा डाला है। अच्छा मैं वादा कर दूं कि अगले एपिसोड में पूरा डालूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब वैसे ऐसी बहुत वीडियोस हैं और यहाँ मैं रिप्लाई रुप्लाई इतना देता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। और यार ये जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मेरी राजा जी ने बड़ी हेल्प की थी, स्पेशली सॉन्ग वाले पार्ट के अंदर। उसका लिंक मैंने पिछली वीडियो में भी डाला है, इस वीडियो के अंदर भी डाल रहा हूँ, जाके चेक करना भाई साहब को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और पिछली वीडियो में तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया यार, जहाँ लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते थे उनमें से कुछ लोगों ने कर लिया सब्सक्राइब, तो जितने रह गए हैं वो भी कर लो यार। अब यार इस वीडियो पे कर दो 2.5 लाख लाइक्स, पिछली वीडियो में तुम लोगों ने कर दिया है तो इस पे भी कर दो यार। औकात नहीं मैं भरा रहा इस वक्त, लेकिन कर दो अब 2.5 लाख, क्योंकि वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया है कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले को लव यू हो गया बड़ा बड़ा। मैं लेबल ते नहीं जांदा, तेरे केबल ते नहीं आंदा, तेरे टेबल ते नहीं खांदा, ते सब मेरा अपना, सब मेरा अपना, लाइफ तेरा सपना, बस रब दा एहसान है, बतेरे इंसान ने तेनु लगदा आसान है। यार क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, फाइटिंग डिशू डिशू कर रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से जो मेरा ये रिव्यू है ना, मैं जो आपको देने जा रहा हूँ ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो एक लड़की है। माशरे में हम मुसलमान जो औरतों को इज्जत तो देते हैं, पता नहीं अब डक्की भाई के माइंड में क्या बात है कि उन्होंने इतनी इसकी कर दी है। तो वैसे तो उसको शर्म से मर जाना चाहिए, अगर तो वाकई में लड़की है तो उसको ये काम छोड़ देना चाहिए। तो अगर शर्म नहीं है तो फिर वो डक्की भाई की अगली वीडियो का तो जवाब ज़रूर देगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, डक्की भाई ने बाकी लोगों की जो खिंचाई की है ना वो तो हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि यार गाली गलोच दिए बगैर ही जो है ना वीडियो बनाए, तब लोगों को इंटरटेनमेंट भी होगा। यार आप बड़ी डक्की भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सी फैमिलीज़ आपकी वीडियोज़ देखती हैं, ठीक है, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैंने ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ कि वो आपकी वीडियो को लाइक करते हैं, थैंक यू आप अच्छी वीडियोस बनाते हो, लेकिन समटाइम आप बहुत सारी बीच में वो बातें कर जाते हो जैसे अभी आपने की है ना। तो यार ठीक है आप बातें करो वीडियो बनाओ, लेकिन थोड़ा सा यार मैनर में आके बनाओ ना यार, फाइट करनी है तो मैनर में आके फाइट करो। ये क्या यार वो ये अब मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा तो फिर मैं भी वैसा ही हो जाऊँगा। तो खैर मैं ये कहूँगा कि यार ऐसी वीडियो मत बनाओ जिसमें आप अगले की शख्सियत को बिल्कुल पानी की तरफ बहा दो। तो ठीक है आप वीडियो बनाओ लेकिन फाइट करो, लेकिन मैनर्स में आके रह के फाइट करो। तो वैसे वो साइलेंट गर्ल तो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेम थी, ठीक है, लोगों ने उसको लाइक किया, लोग उसको लाइक अभी भी करते, कुछ लोग देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। तो जो वीडियो बनानी है यार वो इंटरटेनमेंट वीडियो बनाओ ना। वैसे भी जिंदगी तो तीन चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे आपने वीडियो जो उसकी देखी होगी एंटरटेनमेंट वाली इमरान हाशमी की, तो ठीक है वैसी वल्गर वीडियो हमने नहीं बनानी। तो जो वीडियो बनाओ तो मैनर्स में रह के बनाओ। डकी भाई वैसे आप अच्छा कंटेंट चुनते हो। फेम हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगले को टारगेट या पिन पॉइंट करो और उसकी इतनी उतारो कि वाकई में जो आपने पहली बात की है कि उसके घर वाले ही देख के वीडियो को डिसलाइक कर दे, तो ऐसा मत करो यार। और बाकी रही साइलेंट गर्ल, तो मिसेज साइलेंट गर्ल आपने भी यार किसी की ज़िंदगी में बीवी बनना है यार, तो आप क्या कर रही हो, क्या कर क्या रही हो यार। जब किसी की बीवी बनोगी तो वो क्या है आपको क्या अच्छे अच्छे जो अल्फाज में आपको एक्सेप्ट करेगा यार। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है फेम पाना हर वक्त, फेम की तलब जिनको लगी रहती है ना फेम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती उनको। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त एक ही चीज़ के पीछे भागो यार, ज़िंदगी में और बहुत सारी भी चीज़ें हैं। मत आप क्या कर रहे हो यार सारे, बस बेइज्जती पे बेइज्जती एक दूसरे की किए जा रहे हो। डकी भाई उसकी कर रहा है, साइलेंट गर्ल उसकी कर रही है, और जनाब वो एलेक्स भट्टी ठीक है वो वाकई में यार ऐसे हैं, कुछ लोगों में जीन्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी शख्सियत को चेंज नहीं कर पाते। एलेक्स भट्टी ठीक है वो उसको शौक है करने दो, उसको करता है तो करने दो ठीक है। और दूसरी बात ये जब वो आपको पिन पॉइंट करे तो आप भी फिर उसकी बजा दो। और मेरा मैसेज ये डक्की भाई तक ये है कि डक्की भाई
ठीक है फाइट करो लेकिन मैनर्स में रह के करो। हो सकता है कल जिंदगी में यार उसकी शादी हो जाए तो लोग उसको किस तरह से, उसका खामद उसको किस तरह से करेगा। और साइलेंट गर्ल के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि यार बाहर आ जाओ, ठीक है अगर उसने किया तो उसको माजरत कर लो और उसको इस तरह से मतलब ना मतलब करो कि वो और ज़्यादा उसको मतलब कुछ हो। मैं कल जिंदगी भी सॉरी बात मतलब मैं कर तो रहा हूँ लेकिन सिर्फ जस्ट उसको समझाने के लिए कि आप वो डगी हुई दोबारा उछले और वो कहे कि नहीं इसने मुझे कहा है तो मैं भी इसकी वीडियो बनाऊँ। तो यार ऐसे फाइट मत करो दोस्तों, ऐसे फाइट मत करो। ये एक जो चैनल है यूट्यूब चैनल या यूट्यूब एक जो प्रोग्राम है जो ये एप्लीकेशन है इसको अच्छे से यूज़ करो यार, दूसरों तक अच्छा मैसेज दो ताकि यार आने वाली लाइफ भी आने वाला फ्यूचर भी आपको जो है ना वो सल्यूट करें। यार कोई ऐसा पर्सन था कि जो अच्छी बातें करता था, ज़रूरी नहीं है कि आप यार जो भी बंदा सोचिए डक्की भाई ओ यार वो गालियां देता है साइलेंट गर्ल बाबा जी से आलगोड़। वैसे फेम तो हुई है वो, बस बाद में मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोगों ने, मैं भी टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ करना, अभी आज की वीडियो का ये कतन मकसद नहीं है कि इन दोनों को पिन पॉइंट करके कहना कि यार आप ऐसा ना करो वैसा ना करो ऐसा ना करो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार आप एक घर की इज्जत हो और आप एक माशरे के मर्द हो जिसको लोग अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो वाकई में लोग वो कहते हैं कि यार डगी भाई बहुत बुरी करते हैं। तो अगर फाइट का मकसद ये नहीं है कि आप उसको गंदी बातें करें जैसे कि अभी इस वीडियो में की गई हैं, क्या क्या अजीब अजीब बातें की गई हैं, लोग सुन के यार हंसते हैं यार, लोग देख के यार कहते हैं, आप उनके माइंड में सबसे पहला ये एक्शन ओ डगी भाई वो जो डिफरेंट की हैं। तो यार समझ रहे हो ना, गालियाँ मत दो और तुम साइलेंट गर्ल, और वैसे मैं तुम कह रहा हूँ लेकिन जैसे कि आप साइलेंट गर्ल जो भी हैं जैसे भी हैं आप बाहर आ जाओ, ठीक है, और खुद की इज्जत को देखो यार माशरे में आपकी इज्जत, बाद में जब इसने शादी करनी है तो क्या बनना है आपका। तो अगर नहीं बाहर आते फिर भी आप एक दूसरे की वीडियो आगे से फिर बना रहे हो तो फिर यार आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी बनाओ, लोग आपको इंटरटेन करेंगे और वैसे भी आप यहाँ पर आए हो इंटरटेन करने के लिए तो करते रहो, हमारा क्या, हम तो यार आपको समझाने के लिए बैठे हैं। तो प्लीज़ बाज आ जाओ, ठीक है, और खुद को और दूसरों की इज्जत को इस तरह ना उछालो यार। थैंक यू। हाँ चॉकलेट खानी है, जो अपने चॉकलेट बार बार पूरी वीडियो में चॉकलेट गया तो वो मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, वो वाली चॉकलेट। थैंक यू, बाय बाय।